हेलो एवरीवन, आई एम योर मेंटर नदीम अख्तर। आज मैं हाजिर हूँ एडोब फोटोशॉप के एक नए लेक्चर के साथ। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे, हम पढ़ेंगे फोटो एडिटिंग से रिलेटेड कुछ टॉपिक, कुछ टूल्स जिसके जरिए आप फोटो एडिटिंग को बहुत अच्छे तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। जैसा कि काफ़ी लेक्चर में मैं आपसे एक बात कर चुका हूँ कि टूल्स को पढ़ाना सिखाना वो मेरा काम है, बट इन टूल्स को यूटिलाइज करना वो आपका काम है। आप किस टूल्स को किस ऑप्शन में किस तरह से यूज कर सकते हैं। जैसा कि आज आप ब्लर टूल पढ़ेंगे, शार्पनर टूल और स्मज टूल। जैसा कि मैं आपसे कहता हूं, आपको डिफरेंट चीजें क्रिएट करनी है डिफरेंट टूल्स से। चलिए स्टार्ट करते हैं एडोब फोटोशॉप का आज का लेक्चर डिफरेंट एग्जाम्पल के साथ और डिफरेंट असाइनमेंट्स के साथ। चलें सबसे पहले चलते हैं ब्लर टूल की तरफ। ब्लर टूल को समझने के लिए क्या करेंगे, एज यूजुअल हम कोई भी इमेज ओपन करेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ इमेजेस रखे हुए हैं, यहाँ पे हम देखते हैं स्ट्रीट व्यू के नाम से एक इमेज आपको नज़र आएगा। अब ब्लर टूल का काम क्या होता है? ब्लर, जैसा कि आपको नाम से जाहिर है कि कोई चीज़ को धुंधला कर देना। आप ऊपर देख रहे होंगे, सबसे पहले ब्रश, हम ब्रश हार्ड लेंगे सॉफ्ट लेंगे, ये हम पर डिपेंड करता है कि हमने काम किस नौयत का किस तरह का काम करना है। सेकेंड चीज़ आती है यहाँ पर मोड, मोड को हम नॉर्मल ही रखेंगे। यहाँ पे डिफरेंट मोड्स दिए हुए। ये स्ट्रेंथ का ऑप्शन आपको बहुत सारे टूल्स पे नज़र आया होगा, जैसा कि डॉज में भी, ब्रश में भी, एक किस्म का फ्लो होता है इजी वर्ड्स में कि हम कितना इसको फ्लो रख रहे हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे आ गए सैंपल और लेयर। सैंपल और लेयर, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका कि सैंपल और लेयर क्या होता है, कि अगर मुझे कोई न्यू लेयर पर काम करना है, अगर मैं सैंपल और लेयर पर चेक नहीं लगा होगा, तो अगर मैं इसी ब्लर टूल को अगर मैं किसी भी इमेज के ऊपर यूज़ कर रहा हूँ इस लेडी पे, तो कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर मैं सैंपल और लेयर पे चेक लगाऊंगा और न्यू लेयर पे काम कर रहा हूं, तो क्या होगा? आप देख रहे होंगे कि इसने इसको ब्लर करना स्टार्ट कर दिया। आप देख सकते हैं, आई बंद करके देखते हैं कि ब्लर का बेसिकली काम क्या होता है। कि हम यूजली इसको देखा होगा आपने कि बैकग्राउंड्स में यूज़ होता है। जैसे बैकग्राउंड्स की कोई दूर की चीज़ हो, वो ऑलरेडी जब हम पिक्चर कैप्चर करते हैं तो वो ब्लर हो जाती है विद दी हेल्प ऑफ कैमरा। बट अगर एडोब फोटोशॉप में हम इसको ब्लर करेंगे, तो इस तरह से ब्लर टूल से हम कर सकते हैं। अब देखिए, ब्लड टू लिया मैंने। ब्लड टू लेने के बाद मैंने स्ट्रेंथ रखी थोड़ी सी 50-60 रख लेते हैं। या तो हम सैंपल और लेयर करेंगे, या एक और काम कर सकते हैं, इसको कंट्रोल जे से कॉपी भी ले सकते हैं। हम अपनी हमेशा याद रखें, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, कि अपनी जो ओरिजिनल इमेज है इसको हम ख़राब होने से बचाएंगे। इस पर हम काम डायरेक्ट कभी भी नहीं करेंगे, हमेशा काम करेंगे कॉपी लेके करेंगे, ताकि कोई मिस्टेक हो, कोई चीज़ अगर एडिट करनी हो तो हमारे पास एक ऑप्शन हो, बजाय इसके कि हम फाइल को दोबारा से ओपन करें और उस पर काम शुरू करें, तो हमारे पास एक लेयर होनी चाहिए ओरिजिनल। अब जैसे अब ये आपने देखा होगा पीछे जो घर बने हुए हैं, इसको मुझे अगर थोड़ा सा ब्लर करना है, मैंने ब्रश का वही हिसाब के कहाँ क्या यूज़ करना है, इसी हिसाब से ब्रश का साइज़ छोटा या बड़ा करेंगे। मैं क्या करता हूँ कि इसको इस तरह से चलाना स्टार्ट कर देता हूँ इस एरिया में, ठीक है। मैं सिर्फ साइड को ब्लर कर रहा हूँ, और कुछ पीछे ट्रीज़ आ रहे हैं इनको, और ये गाड़ी खड़ी हुई है इसको ब्लर कर देता हूँ, और जितनी भी दूर की चीज़ें, मैं क्या करना है कि पीछे वाली चीज़ों को सिर्फ हमें ब्लर करना है। इस तरह से ब्रश चलाया जा रहा हूँ, और आप देख रहे हैं कि ये हल्का हल्का सा ब्लर होता जा रहा है ये। अब आप देखेंगे, आई बंद करके देखते हैं, बिफोर एंड आफ्टर, इस तरह से क्या कर सकते हैं किसी इमेज को ब्लर कर सकते हैं। आपने काफ़ी दफ़ा देखा होगा कि जैसे ये स्ट्रीट वगैरह में या किसी भी इमेज में कोई एड्रेस लिखा हो या फ़ोन नंबर लिखा हो, वो यूजली ब्लर कर दिया जाता है, वो हम इस तरह से ब्लर कर सकते हैं। और अगर ये फ़ोन नंबर्स लिखे हुए, इसको भी क्या करते हैं, ब्लर कर सकते हैं। इसी तरह से कोई अगर अपनी गाड़ी की पिक्चर किसी को सेंड कर रहा है, तो वो क्या करता है, वो भी अपने जिसकी नंबर प्लेट होती है उसको भी क्या कर सकते हैं, ब्लर करके हम सेंड कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर। अभी जल्दी से एक पिक्चर और देख लेते हैं। अब एक अपने पिक्चर आप देख रहे होंगे, ठीक है। अब इस पिक्चर में मुझे किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को एम्फसाइज करना है, फोकस करना है, तो क्या करेंगे, अगेन कंट्रोल जैसे कॉपी ली,
कॉपी लेने के बाद क्या किया, अब क्या करना है कि मुझे इस पिक्चर में इस वाले बॉय को फोकस करना है यानी एम्फसाइज करना है। एम्फसाइज कैसे, मैंने क्या किया, ब्रश लिया, ब्रश चलाना मुझे शुरू कर दिया तमाम इमेजेस के ऊपर। आइबंका के देखें, पहले पिक्चर ये थी, अब पिक्चर ये, अब आप देख रहे होंगे बिल्कुल ये जो लड़का है बिल्कुल फोकस हो रहा है बाकियों के बनिस्बत। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है शार्पनर टूल, इसको क्या करेंगे, इसके लिए हम कोई इमेज खोल लेते हैं। इसके लिए हम एक बटरफ्लाई ली हुई है मैंने, ये कंट्रोल जे से कॉपी ली, कॉपी लेने के बाद स्ट्रेंथ देख लेंगे, थोड़ी सी स्ट्रेंथ को हम इंक्रीज कर लेते हैं ताकि काम थोड़ा सा जल्दी हो। लेयर सेलेक्ट की न्यू वाली, इस तरह से ब्रश को अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे आराम आराम से बिफ़ोर एंड आफ्टर में, जो हमने बाद में यूज़ किया उसके अंदर काफ़ी हद तक इस पिक्चर में आपको शार्पनेस नज़र आ रही होगी। ये जो टूल्स दिए हुए हैं ब्लर शार्पनेस मज, ये क्या होते हैं, ये एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर हमें काम करना होता है। हमें अगर बोलूं कि जी पूरे के पूरे इमेज को शार्प करना है तो फिर हम ये टूल यूज़ नहीं करेंगे। आगे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं इसके लिए, इन चीज़ों को यूज़ करने के लिए। आगे चलते हैं एक और बहुत अच्छा ऑप्शन, स्मज टूल। स्मज टूल को समझने के लिए काम करते हैं, एक मैं छोटा 7x7 ओके 150, एक मैं यहाँ पे कैनवस ले लेता हूँ। सबसे पहले समझने की बात है कि स्मज टूल होता क्या है। स्मज टूल बहुत यूज़ किया होगा, इसको मर्जिंग भी कहते हैं, इसको हम ब्लेंडिंग भी बोलते हैं। जैसा कि आपके फैशन इलस्ट्रेशन में आपने इलस्ट्रेशन बनाई होगी उसके अंदर आपने काफ़ी ब्लेंडिंग की होगी, या फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स ने बहुत यूज़ किया हुआ, टेक्सटाइल प्रिंट डिज़ाइन के स्टूडेंट्स ने काफ़ी इस चीज़ को अपने मैनुअल आर्ट वर्क में बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ। जैसे कि आपने पेंसिल कलर्स को मर्जिंग करना, स्मज करना, या आपने चारकोल पेंसिल्स को, या आपने एक्रेलिक पेंट्स को, ऑयल पेंट को विद द हेल्प ऑफ नाइफ स्मजिंग कर रहे होते हैं, तो ये तमाम जो हम यूज़ कर रहे होते हैं मर्ज करना, तो इसी तरह का एक ऑप्शन यहाँ पे फोटोशॉप ने दिया हुआ है। इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसका एक काम करते हैं। मैंने क्या किया, न्यू लेयर ली, न्यू लेयर लेने के बाद मैं काम करता हूँ कुछ कलर्स को यहाँ पे मैं कर देता हूँ। मैंने सॉफ्ट ब्रश लिया हुआ है, ठीक है, मैंने एक ब्रश यहाँ पर लिया, कुछ इसी कलर्स को मैंने फैला दिया यहाँ पर। अब आप देख रहे होंगे हमने डिफरेंट कलर्स यहाँ पे कर लिए। अब क्या करेंगे, स्मज टूल लेंगे, इसकी स्ट्रेंथ 50 रखी हुई है, ब्रश को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। अब देखिए काम क्या होता है इसका, मैं एक काम करता हूँ, उसको कंट्रोल जे से कॉपी ले लेता हूँ ताकि एक हमारे पास ऑप्शन रहे, इसकी आई बंद कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने इसको कैसे किया, इस तरह से मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसको मैंने ड्रैग किया। आप देख रहे होंगे किस तरह से कलर मूव हो रहे हैं उसी के साथ, जैसा कि आप देखा होगा अपने थंब से या फिंगर से आप स्मजिंग करते रहे फाइन आर्ट्स की क्लासेस में या इलस्ट्रेशन क्लासेस में, वही ऑप्शन सॉर्ट ऑफ सेम यहाँ पर भी हम काम कर रहे हैं। एक और चीज़ को अगर मैं इसको सर्कुलर में लेके आता हूँ, इस तरह से ब्रश को थोड़ा सा बड़ा करते हैं और मैं इसको थोड़ा सा सर्कुलर मूवमेंट देता हूँ। अब आप देखें तो आप समझ चुके होंगे कि स्मज टूल का काम क्या होता है, स्मज टूल को किस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ब्लेंडिंग बहुत अच्छी हम तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसको मैंने क्या किया, कंट्रोल टी से क्या करेंगे, इसको थोड़ा छोटा किया, इसकी मैंने कॉपी ली, कॉपी लेने के बाद कंट्रोल टी किया, कंट्रोल टी लेने के बाद फ्लिप हॉरिजेंटल किया। हम इसको आराम से बड़ा अच्छा हम पैटर्न बना सकते हैं, बिल्कुल रिपीटेड पैटर्न बना सकते हैं। कंट्रोल टी से फ्लिप वर्टिकल किया और ये देखें, और इसको क्या करेंगे यहाँ पे रख के कंट्रोल टी, कंट्रोल टी के बाद क्या करेंगे इसको इस पूरे पेज पे हम ले आएंगे। तो अभी देख सकते हैं कि हम कितने आराम से कितने आसान तरीके से किसी तरह का भी पैटर्न डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसा कि आज आपने ब्लर टूल पढ़ा, ब्लर टूल के और भी ऑप्शंस दिए हुए हैं बट वो फिल्टर के अंदर दिए हुए हैं। फिल्टर के अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्लर के अंदर जाएंगे, यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हैं जो कि हम टाइम बाय टाइम आगे चलकर पढ़ेंगे। काफ़ी सारे पिक्चर एडिटिंग के लिए भी काम आते हैं और काफ़ी सारे और भी बहुत सी मल्टीपल चीज़ों पे हम यूज़ करते हैं, इमेजेस पे यूज़ करते हैं। आपको मैं एक थोड़ा सा रिव्यू दे दूँ कुछ टूल्स का, इसमें से गॉशियन ब्लर है, मोशन ब्लर और रेडियल ब्लर जो कि हम बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। चलते हैं गॉशियन ब्लर। सबसे पहले क्या करेंगे, कंट्रोल जे से हम कॉपी ली, कॉपी लेने के बाद क्या करेंगे, ब्लर में जाके हम गॉशियन ब्लर यूज़ करेंगे। अब देखें
जैसे कि मैंने बताया था कि ये वाला ब्लर जो दिया हुआ टूल के अंदर, ये किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर यूज़ करने के लिए होता है। अगर मुझे पूरे इमेज के अंदर यूज़ करना हो तो ये इस तरह से हम गॉशियन ब्लर यूज़ कर सकते हैं। हम देख रहे होंगे कि किसको कितना ब्लर देना है, यहाँ से इजीली दे सकते हैं। बिफोर बहुत शार्प इमेज था और आफ्टर इस तरह का ब्लर हो गया। एक और बहुत अच्छी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता जाऊँ, यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक दिया हुआ है हिस्ट्री ब्रश टूल। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे ब्लर टूल यूज़ किया हुआ है, गॉशियन ब्लर यूज़ कर दिया। मुझे क्या करना है, एक पर्टिकुलर एरिया में से गॉशियन ब्लर को हटाना है, रिमूव करना है। तो क्या करेंगे, इसके ऊपर क्या करेंगे, हिस्ट्री ब्रश को चलाएंगे। अब ये देखें कितने ज़बरदस्त तरीके से हमने इसको वापस ले आए। अब देखें ये इमेज है, अब इस इमेज पे क्या करेंगे, फिल्टर ब्लर और गॉशियन ब्लर, इस पूरे इमेज के ऊपर मैंने गॉशियन ब्लर यूज़ कर लिया। यस, इतना रखते हैं। देखिए बहुत बैलेंस तरीके से हो गया। अब मुझे वही बात कि इस लड़के को मुझे एम्फसाइज करना है, इस लड़के को फोकस करना है, तो क्या करेंगे, हिस्ट्री ब्रश लिया और फ्लो थोड़ा सा कम कर लेते हैं। बात वही है कि थोड़ा सा टाइम लगता है इसको, बहुत तरीके से ब्रश को छोटा करके इमेज को जूम करके हम काम करते हैं, बट हमें अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट देना है कि इसका यूज़ क्या है बेसिकली। तो ये हिस्ट्री ब्रश है, ये बहुत काम का टूल है, पर्टिकुलर एरिया से इफ़ेक्ट्स को हम रिमूव कर सकते हैं। अब चलते हैं हम फिल्टर, फिल्टर में ब्लर, ब्लर में क्या है, ये रेडियल ब्लर। जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये राउंड कर देगा, स्पिन या जूम। सबसे पहले देखते हैं स्पिन को। यस, ये देखें। अच्छा, एक चीज़ और बताता चलूँ कि अगर हमने इसी फिल्टर को, हमने लास्ट फिल्टर कौन सा अप्लाई किया है, रेडियल ब्लर, अगर इसी फिल्टर को रीअप्लाई करना है, जैसे एडोब इलस्ट्रेटर में हमने किसी भी फिल्टर को रीअप्लाई करते क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ई, इसमें करते हैं कंट्रोल ऑल्ट एफ, क्लिक किया, ये देखें दोबारा अप्लाई हो गया उसी कंडीशन में। कंट्रोल ऑल्ट एफ किया तो दोबारा वही फिल्टर अप्लाई हो गया। आप देखें क्या चीज़ बन गई है, जो डिज़ाइन हमने बनाया था। अंडू करते हैं, ये इसको क्या कन्वर्ट कर दिया इसने, कंट्रोल ऑल्ट एफ करेंगे क्या होगा, रेडियल ब्लर अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, इसी के अंदर एक और चीज़ दी हुई है, ब्लर रेडियल ब्लर, अब दिया हुआ है यहाँ पर स्पिन की जगह जूम दिया हुआ है। अब जूम से क्या होता है, मैं थोड़ा सा इसको इसका अमाउंट बढ़ा देता हूँ, क्लिक सी। एक जैसा कि आपको जूमिंग इफेक्ट नज़र आ रहा होगा कि अंदर से बाहर की तरफ कुछ चीज़ आ रही है, कंट्रोल ऑल्ट एफ करेंगे तो देखेंगे कितना अच्छा इफेक्ट यूज़ हुआ इसका। इसके बाद एक बहुत अच्छा ऑप्शन है ब्लर, ब्लर के अंदर मोशन ब्लर। जैसा कि नाम से जाहिर है कि मोशन ब्लर इस तरह से, ये देखें मोशन ब्लर दे सकते हैं। मोशन ब्लर को समझने के लिए एक जल्दी से एक छोटा सा असाइनमेंट कर आपको बता देता हूँ। आप एक गाड़ी को रोड पे दौड़ता हुआ देख रहे होंगे, बट हम इसको अपने तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि हम इसके अंदर मोशन ब्लर और रेडियल ब्लर के ज़रिए मज़ीद डिटेल कैसे दे सकते हैं। अब ये देखिए कंट्रोल जैसे कॉपी ली, कॉपी लेने के बाद क्या करेंगे, इस गाड़ी को सिलेक्ट कर लेते हैं पहले विद द हेल्प ऑफ पेन टूल। ठीक है, राइट क्लिक किया, मेक सिलेक्शन, फेदर नहीं लेंगे कुछ भी, जीरो। मुझे बैकग्राउंड सिलेक्ट करना है, मुझे गाड़ी सिलेक्ट नहीं करनी, क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट आई इन्वर्स किया, इन्वर्स करने के बाद क्या करेंगे, फिल्टर, फिल्टर में जाके ब्लर, ब्लर में जाके मोशन ब्लर, मोशन ब्लर लिया। आप देखेंगे कितना मोशन देना है, ये देखें यहाँ पर अब स्ट्रेंथ दी हुई है इसकी, कितना देना है हमें, ज़रा सा थोड़ा सा मूवमेंट देनी है, ऐसा फील हो के ये गाड़ी मूव हो रही है, इसको क्या करेंगे, ओके। कंट्रोल डी से हमने क्या किया, डी सेलेक्ट किया। अब एक और काम करते हैं, लेसर टूल लेते हैं, लेसर टूल लेके थोड़ा सा फेदर लिया, फोर की जगह हम सिक्स का ले लेते हैं, और मुझे क्या करना है, इसका सिर्फ बैक को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इस तरह से इरेगुलर। फिल्टर को क्या करेंगे, रीअप्लाई करने के लिए कंट्रोल ऑल्ट एफ। यस, अब जाहिर सी बात है गाड़ी मूव हो रही है तो ये बंदा बैठा हुआ ये नज़र क्यों आ रहा है, तो क्या करेंगे, इसको भी हम इरेगुलर सिलेक्शन से सेलेक्ट कर लेंगे इतना हिस्सा, और उसको क्या करेंगे, कंट्रोल ऑल्ट एफ कंट्रोल डी, ये जी ये बंदा भी गायब हो गया। अच्छा, अब क्या करेंगे, थोड़ा सा हम टायर में भी मूवमेंट दे देते हैं मज़ीद, इसको हम यहाँ पर टायर का सिर्फ रिम्स के, इसके टायर का ये पार्ट हमने सेलेक्ट किया, फिल्टर में गए, ब्लर और क्या करेंगे, रेडियल ब्लर, जूम नहीं स्पिन, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा नॉर्मल सा दे देंगे। यस, कंट्रोल डी, और
इसी को दोबारा सेलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, कंट्रोल ऑल्ट एफ फॉर रीअप्लाई द फिल्टर। ये देखें, अब आप देख रहे होंगे कि अब बिफोर गाड़ी स्लो चल रही थी और आफ्टर हमने गाड़ी को थोड़ा सा स्पीड में दे दिया। तो मेरे आपने हर लेक्चर में देखा होगा, मैं कोई ना कोई छोटा सा असाइनमेंट करा देता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि हम जो पढ़ रहे हैं इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही, चलते चलते अब तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट, मेरी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने तमाम फ्रेंड एंड फैमिलीज को शेयर करें। थैंक यू सो मच, गुड बाय।